कृषि विज्ञान केंद्र रायबरेली में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में की गई किसान गोष्ठी। रायबरेली कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर रायबरेली में आजादी के अमृत महोत्सव पर चलने वाले एक सप्ताह के कार्यक्रम के तहत आज एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। किसान गोष्ठी में नींबू की बागवानी के लिए मशहूर लेमन मैन आनंद मिश्रा ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि विज्ञान केंद्र की अध्यक्ष नीलिमा सिंह ने किया। कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों ने भी भाग लिया। उन्होंने किसानों को बताया कि कैसे आधुनिक खेती करके किसान अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं, क्योंकि इस महंगाई के दौर में व्यवसाय खेती करके ही किसानों की आय को दोगुना किया जा सकता है। सरकार किसानों के लिए बहुआयामी योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ किसान लेकर अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। संवाददाता विपिन राजपूत की रिपोर्ट। आज जैसे आप जैसे जानते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस सप्ताह में जो है हम लोग जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। इसके तहत जो है आज का कार्यक्रम जो रखा गया उसमें फल फूल एवं सब्जियों के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिसमें कि सब्जियों में ब्रोकली की खेती और लेट्यूस पॉक्चर वगैरह की खेती के बारे में जानकारी दी जा रही है। फलों में नींबू और ढाई नींबू खास करके और स्ट्रॉबेरी के बारे में जानकारी दी जा रही है और फूलों में क्या उद्देश्य है आज के कार्यक्रम का? फल फूल एवं सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को आय वृद्धि करने के तरीके सिखाना और उनको उन्नत तकनीक के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। इससे किसानों को उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो खेती में किसान क्या परिवर्तन लाए जिससे उसकी इनकम बढ़ सके? पारंपरिक खेती है वो हम लोग बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं और किसान भी कर रहे हैं। उसकी अपेक्षा अगर वो बागवानी की तरफ चलते हैं तो जो मोदी जी ने कहा है कि किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी, उसकी तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे और मुझे ऐसा विश्वास है कि किसान अगर बागवानी करता है तो उसे कम से कम 5 times 5 गुना मुनाफा हो सकता है। मेरी ये सलाह भी रहती है कि बागवानी की तरफ अपने किसान कुछ रकबे में अगर उनके पास 5 बीघे 10 बीघे खेत है तो उसके कुछ पार्ट में उन्हें बागवानी फसल करनी चाहिए। थोड़ा सा संक्षेप में बताइए कि कैसे जो है बागवानी से अधिक लाभ मिल सकता है उनको, संक्षेप में थोड़ा। जो ट्रेडिशनल खेती हम लोग करते हैं उसकी हाइट 2 से 3 फीट होती है, धान गेहूँ चना मटर की। जो पेड़ लगाते हैं वो 10 फीट 20 फीट 30 फीट हाइट में जाता है, जब हाइट में कोई भी चीज़ जाएगी तो जाहिर सी बात है उसका उत्पादन 10 गुना बढ़ जाएगा, तो किसानों को काफ़ी प्रॉफिट होता है।